देखिए राजभाषा होती क्या है, राजभाषा के हिसाब से क्या प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, वो सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहली बात तो आप लोग समझिए कि आप लोग शुरू से बचपन की क्लासों से पढ़ते हैं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा, जो कि अध्यापक मुँह से भी निकल रहा है हिंदी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं। अगर आपने बचपन की क्लासों से पढ़ा हुआ है तो इस दिमाग को रोशन कर देंगे, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। देखिए राष्ट्रीय भाषा बोलते कि इसको राष्ट्रीय भाषा होती कौन सी है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्र का मतलब आपका देश, राष्ट्र का मतलब आपका देश, यानी देश के अंदर, देश के अंदर आपका 29 राज्य आ जाएगा, 29 राज्य में जितने राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश सब आ जाएंगे। यानी अगर आप बोलते हैं कि देश की राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है, या किसी किताबों में हिंदी लिखा है तो किसी किताबों में हिंदी नहीं लिखा, आपको जो बचपन से आपने जो टीचर ने पढ़ाया वो थोड़ा सा गलती हो गया है। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, राजकीय भाषा हिंदी, ठीक है। तो हम बोलते हैं राष्ट्रीय भाषा उस भाषा में बोलते हैं जो कि पूरे देश में बोली जाएगी। आप देखेंगे कि जो हिंदी, अगर आप बोलते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी हमारे देश में हर राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती। आप यही तमिल साइड जाके देख लीजिए, साउथ साइड चल रही है या फिर ईस्ट वाले साइड चल रही है, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश या फिर वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, वहाँ पे हिंदी भाषा को दर्जा नहीं दिया। तो हिंदी भाषा को दर्जा ना देने के कारण हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं होगी, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। इसी करके आज उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं राज्य भाषा से लेके, यही समझ कर आज का टॉपिक हमारा राज्यभाषा। देखिए सबसे पहले बात करें राज्यभाषा, राज्यभाषा भाग 17 अनुसूची 8, भाग 17 अनुसूची 8 में, भाग 17 अनुसूची 8 में अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक इसका उल्लेख है, तो राज्यभाषा के बारे में बोलते हैं। हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की कोई 343 अनुच्छेद में ये बोला गया हुआ है कि सब की राज्यभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। जैन कहने का क्या मतलब, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते तो आप एक फ्रंट लिस्ट पे जाते, इसका नाम होता है देवनागरी। उसी प्रकार से अगर आप इंग्लिश में कोई चीज वर्ड टाइप करते हैं तो उसका फ्रंट होता है आपका रोमन। अगर आप पंजाबी में कर रहे हैं तो गुरु लिपि, तो हर किसी का एक लिपि बनाएगा उसी विभाग से उसको पढ़ते हैं। तो हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, इस संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यानी राजकीय भाषा हिंदी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं बोल सकते, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक में, देखिए इसी करके भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं।